तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा पैन डीसी ग्रुप में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज के दोस्तों आईपीएल मैच के बारे में जो आपका खेला जाएगा एसआरएच वर्सेस आरआर, हैदराबाद की टीम और हैदराबाद के सामने दोस्तों राजस्थान की टीम। हैदराबाद की टीम का दोस्तों लास्ट दो मैच खराब रहा है, दोनों मैच लॉस करके आ रही है, बट राजस्थान की टीम दोस्तों यार जानते हो पॉइंट टेबल पे टॉप पे चल रही है, और यदि ये मैच राजस्थान की टीम विन करती है तो आईपीएल 2024 की फर्स्ट टीम हो जाएगी जो दोस्तों प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई हो जाएगी, जो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी देखोगे अदर टीम क्वालिफाई होने के लिए मेहनत कर रही है, वहां पे दोस्तों राजस्थान की टीम अभी दोस्तों क्वालिफाई होके टेंशन फ्री। चलिए इसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही कि दोस्तों कौन सी टीम इस मैच को विन कर सकती है। सबसे पहले लास्ट मैच का हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्शन को देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं कि कैसा रहा लास्ट मैच का प्रेडिक्शन। देखो दोस्तों जो लास्ट मैच रहा चेन्नई और पंजाब के बीच में, उसमें मैंने आपको एक प्रेडिक्शन दिया था जो हम लोग का टॉप क्लास बैठा, और उस प्रेडिक्शन की वजह से बहुत भाइयों ने मिनी जीएल ग्रैंड लीग में बेस्ट रैंक लाया। स्मॉल लीग हम लोग का एवरेज रहा था बट मिनी जीएल ग्रैंड लीग टॉप क्लास रहा था। उसका मेन रीजन क्या था मैंने आपको क्लियर बताया था वीडियो में कि आप सभी दोस्त ध्यान रखिएगा, मिनी जीएल ग्रैंड लीग में टोटली फेवर करके जाइएगा, पंजाब को चेन्नई को फेवर नहीं कीजिएगा। चेन्नई को फेवर करना चाहते हैं स्मॉल लीग में कर लीजिएगा, लेकिन मिनी जीएल ग्रैंड लीग में पंजाब को फेवर कीजिएगा। रीजन मैंने दिया था लास्ट पांच मैच में चार मैच पंजाब की टीम ने विन किया था और एक मैच सिर्फ और सिर्फ दोस्तों चेन्नई ने विन किया था, और रिजल्ट देखिए क्या रहा दोस्तों, वंस अगेन पंजाब ने चेन्नई को हराया 7 विकेट से दोस्तों पंजाब मैच विन कर गई। तो इस मैच में देखो एक चीज मैं बताना चाहूंगा, देखो आपको लास्ट मैच की तरह वन साइडेड नहीं मिलेगा चेन्नई और पंजाब का जो हेड टू हेड रिकॉर्ड था, इस मैच में दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड एक जैसा है। देखो पूरे आईपीएल में ना दोनों टीमों के बीच में 18 मैचेज हुए, और इस 18 मैच में दोस्तों आप देखोगे हैदराबाद की टीम ने 9 मैच विन किया है और राजस्थान की टीम ने भी दोस्तों सेम 9 मैच विन किया है। तो लास्ट मैच की तरह दोस्तों यहां पे आपको वन साइडेड रिकॉर्ड नहीं मिलेगा हेड टू हेड में, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा ना तो फिर आप किस टीम को फेवर करोगे, तो मैं यहाँ पे आपको यही रिकमेंड करूंगा, देखो होम ग्राउंड किसका है तो आपका दोस्तों हैदराबाद का होम ग्राउंड है, ठीक ना। और जो भी टीम दोस्तों यहाँ पे बैटिंग सेकेंड करे ना मैं रिकमेंड करूंगा उसको आप टेंशन फ्री होके फेवर कर लेना। मेरा फेवर दोस्तों अभी के लिए, क्योंकि टॉस तो पता नहीं है दोस्तों कौन सी टीम ने विन किया है, मैं थोड़ा सा एडवांटेज राजस्थान को लेके चलूंगा क्योंकि रिसेंट मैचों में ये टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों राजस्थान को मेन क्या है फेवर करने का रीजन कि राजस्थान के जितने भी इंपॉर्टेंट बैट्समैन और इनके जो बॉलर है ना कमाल के फॉर्म में चल रहा है, और राजस्थान की टीम को ये मैच विन करना है ना तो इनके जो सबसे बड़े ग्रुप के इक्के है ना वो दोस्तों रहेंगे चहल। मैं ना वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको दोस्तों हमेशा की तरह एक बहुत ही कमाल का रिकॉर्ड बताता हूं। देखो दोस्तों इस मैच में बहुत ज्यादा आप सरप्राइज नहीं होइएगा कि स्पिनर को ज्यादा विकेट मिल जाए और फास्ट बॉलर को कम विकेट मिल जाए। जब भी दोस्तों दोनों टीमों का मैच हुआ है ना, ये मैं रिकॉर्ड बता रहा हूं, स्पिनर को ज्यादा विकेट मिले हैं, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि देखो सभी लोग फास्ट बॉलर को अंधाधुंध लेके आएंगे, बोल्ट हो जाए, संदीप शर्मा, अबेस खान, फिर आप इधर से देख लो भुवनेश्वर, पैट कमिंस, नटराजन, फास्ट बॉलर तो भरे हुए हैं इस मैच में, लेकिन गेम चेंजर दोस्तों जानते हो कौन रहेंगे, चहल रहेंगे। चहल क्यों गेम चेंजर हो सकते हैं, जो लास्ट तीन मैचेज हुए हैं ना दोनों टीमों के बीच में हेड टू हेड में, तीन मैच में दोस्तों आप चहल का परफॉर्मेंस देखिए, 4 विकेट 3 विकेट और 4 विकेट, ये दोस्तों है दोस्तों चहल भैया का परफॉर्मेंस लास्ट तीन मैच का, मैंने आपको बताया दोनों टीमों के बीच में जो हुए हैं। लास्ट ईयर दोस्तों इन्होंने 2 मैच में ही 7 विकेट लिए थे। तो चहल भैया ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी दोनों टीमों का मैच होता है बेस्ट परफॉर्मेंस करके जाते हैं, और दोनों मैच में दोस्तों बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुएगा, लास्ट जो मैच हुआ था ना उसमें ग्रैंड लीग के कैप्टन भी चहल रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया, जिससे आपको पता चल पाए वीडियो का दोस्तों क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है आपके लिए, ठीक ना। चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले ना हम लोग पिच को समझ लेते हैं। तो देखो दोस्तों ये जो मैच है ये मैच आपका खेला जा रहा है राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम, दैट मींस एसआरएच का दोस्तों ये होम ग्राउंड है। इस आईपीएल में इस ग्राउंड पे अभी तक टोटल 3 मैचेज हुए हैं, 3 मैच में दोस्तों फर्स्ट मैच एसआरएच की टीम ने विन किया था किसके अगेंस्ट, तो मुंबई के अगेंस्ट, ठीक ना, एमआई के अगेंस्ट इन्होंने विन किया था। सेकेंड मैच भी दोस्तों इनका विन रहा था चेन्नई के अगेंस्ट भी दोस्तों इन्होंने विन किया था। थर्ड मैच दोस्तों इनका लॉस रहा किसके अगेंस्ट, तो आरसीबी की टीम के अगेंस्ट, ठीक ना, आरसीबी की टीम ने दोस्तों यहां पे विन किया था लास्ट मैच। मैं यहां पे दोस्तों एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये जो 3 मैचेज हुए हैं ना
तीन मैच में दोस्तों आप देखोगे जो एवरेज स्कोर निकल के आया इस ग्राउंड का वो आपका रहा है दोस्तों 180 और 200-200 के बीच में। और दोनों टीमों का दोस्तों बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, चाहे आप एसआरएस का ले लो चाहे दोस्तों आप राजस्थान का ले लो। तो इस मैच का जो एवरेज स्कोर रहेगा ध्यान रखिएगा 180 और 200 के बीच में रहेगा। लो स्कोरिंग मैच दोस्तों डेफिनेटली नहीं होगा लास्ट मैच की तरह, ठीक ना, हाई स्कोरिंग मैच जाएगा। ये जो तीन मैचेज हुए इसमें एक और चीज देख लेते हैं कि पेसर स्पिनर को कितना विकेट मिला है। तो इस ग्राउंड पे जो तीन मैचेज हुए ना, इस तीन मैच में दोस्तों आप देखोगे टोटल 32 विकेट गिरे हैं। और इस 32 विकेट में दोस्तों समझिएगा इसको, टोटल 20 विकेट दोस्तों फास्ट बॉलर को मिले हैं और साथ ही साथ दोस्तों 12 विकेट दोस्तों यहाँ पे स्पिनर लेके गए हैं। डेट मीन दोस्तों 5-3 का रेशियो रहा है, प्रत्येक 5 विकेट में दोस्तों स्पिनर को एक विकेट मिल रहा है, 3 विकेट मिल रहा है। तो ये चीज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसा ग्राउंड है जहां पे फास्ट बॉलर को 2 विकेट मिल रहा है, साथ ही साथ स्पिनर गेम में पीछे नहीं है, स्पिनर को भी विकेट मिल रहा है। और जब भी दोस्तों दोनों टीमों का मैच होता है स्पिनर हमेशा दोस्तों गुच्छे में विकेट लेके जाते हैं। तो इस मैच का दोस्तों मेन पॉइंट यही मैं समझाना चाहूंगा, बैट्समैन पे फोकस रखना है, बैट्समैन के साथ साथ स्पिनर पे भी फोकस रखना है। दोनों टीमों के पास बहुत ज्यादा स्पिनर नहीं है, इधर आपको चहल मिलेंगे, अश्विन मिलेंगे, इधर आपको एस अहमद मिलेंगे और आपको दोस्तों मयंक मार्कंडे मिलेंगे हैदराबाद की टीम में। चलिए पिच रिपोर्ट क्लियर हो गया, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्लियर हो गया, अब हम लोग बढ़े अपने प्रेडिक्शन पे। तो चलिए फोकस करते हैं, अब अपना मेन फोकस प्रेडिक्शन पे रहेगा। सबसे पहले आते हैं दोस्तों हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन में। यहाँ पे आपको तीन बेस्ट ऑप्शन है, फर्स्ट है बटलर भैया, संजू सैमसन और दोस्तों क्लासन का। ये तीन बेस्ट ऑप्शन में दोस्तों तीनों का हम लोग एक बार परफॉर्मेंस को समझते हैं। बटलर भैया ने दोस्तों ध्यान रखना इस पिच पे इनका जो एवरेज रहा है वो 232 का रहा है, ठीक ना। और वही दोस्तों इनका जो एवरेज हैदराबाद के अगेंस्ट देखे तो हैदराबाद के अगेंस्ट 41 का एवरेज है। तो दोनों एवरेज दोस्तों बताता है कि बटलर भैया को आप इस मैच में कांट बी इग्नोर, इंपॉर्टेंट 100% रहेंगे, आप टीम में जरूर लेके जाना। मैंने यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, इसको भी आप समझिए, बटलर भैया हमेशा दोस्तों ध्यान रखना जब भी उनके सामने जो टीम है ना उनमें किसी के सामने फंस सकते हैं वो है दोस्तों भूबी भैया के सामने। यदि ये भूबी भैया का स्टार्टिंग का ओवर सही से खेल लेते हैं बटलर भैया आराम से इस मैच में 50+ स्कोर करके जाएंगे। यदि स्टार्टिंग में बटलर भैया यदि आउट होते हैं तो ध्यान रखना कोई और बॉलर आउट नहीं करेगा, आउट हो सकते हैं तो ये भुवनेश्वर कुमार के बॉल पे आउट हो सकते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि इनका बॉलिंग निकाल दे और इस मैच में एक बार फिर से 50+ स्कोर करके जाए। संजू बाबा जब भी दोनों टीमों का मैच होता है यार संजू बाबा का रिकॉर्ड नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा। इनका 251 का एवरेज है, जब भी दोनों टीम दोस्तों आपस में खेलती है हमेशा भाई साहब स्कोर करते हैं और इस मैच में भी मेरे को कंफर्म दिख रहा है 40+ स्कोर तो जरूर करेंगे। तो ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टीम में जरूर लेके चलना है, कैप्टन मिसी भी आप करके जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासन भैया का दोस्तों रिसेंट मैच थोड़ा सा खराब रहा है, लेकिन मैं बता दूं यदि हैदराबाद को मैच विन करना है ना तो क्लासन भैया को परफॉर्म करना होगा, जस्ट सिंपल है। क्लासन भैया जिस मैच में परफॉर्म कर रहे हैं हैदराबाद की टीम दोस्तों मैच विन करके जा रही है, क्लासन भैया शांत जा रहे हैं तो दोस्तों हैदराबाद की टीम भी सो जा रही है। और इस मैच में मैं एक चीज सियोर हूं कि देखो क्लासन भैया आराम से इस मैच में 30+ स्कोर करने वाले हैं। उसका रीजन बताता हूं, इनके सामने जो भी बॉलर है ना सबके अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। चहल के अगेंस्ट दोस्तों क्लासन भैया का आपको भी पता है बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, चहल आज तक कभी क्लासन को आउट नहीं कर पाए, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट ले लो या दोस्तों आईपीएल का ले लो। तो मैक्सिमम तो दोस्तों क्लासन जब बैटिंग करने आएंगे आपको चहल भैया मिलेंगे बॉलिंग करते हुए, अश्विन मिल सकते हैं और दोनों के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो दैट्स व्हाई मैं 100% कंफर्म हूं कि क्लासन भैया इस मैच में 30+ स्कोर तो करेंगे, हो सकता है 50 भी कर जाए। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से तीनों मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों तीनों परफॉर्म करेंगे। सिलेक्शन हाई है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं। एसिंग लास्ट मैच में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने को आया था, ठीक ना, सब्स्टिट्यूट में नाम था, यही माइनस पॉइंट है इसलिए मैं नहीं ट्राई करने को बोलूंगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूट में दोस्तों देखो हैदराबाद का ना कुछ ठीक नहीं होता है, ये लोग किसी भी प्लेयर को खिला देते हैं, कभी दोस्तों एन रेड्डी को सब्स्टिट्यूट में डाल देंगे, कभी दोस्तों आपको ए सिंह को सब्स्टिट्यूट में बुला लेते हैं। तो हैदराबाद टीम का भरोसा नहीं कीजिएगा सब्स्टिट्यूट में कौन प्लेयर आ सकता है, इसलिए सब्स्टिट्यूट प्लेयर हो तो डायरेक्ट इग्नोर कीजिएगा। आइएगा बैटिंग सेक्शन में, बैटिंग सेक्शन में टी हेड का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। देखो दोस्तों टी हेड रन करेंगे, उसका रीजन मैं बताता हूं, टी हेड के सामने बॉलिंग कौन करेगा दोस्तों, संदीप शर्मा और बोल्ट।
हो सकता है संदीप शर्मा थोड़ा सा इनको तंग कर जाए, मेरे को लग रहा है अच्छा टकल कर लेंगे, लेकिन बोल्ट के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इंटरनेशनल क्रिकेट में दोस्तों। बोल्ट के अगेंस्ट T20 में जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, तो इसलिए मैं इस मैच में कंफर्म हूं कि हेड आपको दोस्तों पावर प्ले में अच्छा खासा स्कोर करेंगे। हो सकता है कि पावर प्ले के बाद दोस्तों अपना विकेट चहल भैया को फेंक के चले जाए, ठीक ना, लेकिन पावर प्ले में दोस्तों चहल भैया आपको भी पता है बॉलिंग करने नहीं आते, तो फिर वहां पे ये आराम से इस मैच में 25 से लेके 230 रन स्कोर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको बैक भी कर रहा हूं इस मैच में। टी हेड इंपॉर्टेंट रहेंगे, यदि इनका दोस्तों बोल्ट के अगेंस्ट खराब रिकॉर्ड रहता है ना तो मैं हटा देता टीम से, लेकिन बोल्ट के अगेंस्ट रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है तो इसलिए मैं बैक कर रहा हूं। अभिषेक शर्मा संदीप शर्मा के आगे एक बार आईपीएल में फंसे जरूर है, बट जिस फॉर्म में चल रहे हैं ना अभिषेक शर्मा, वो तो दोस्तों यार टी हेड से भी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं अभिषेक शर्मा, तो इसलिए मैं लेके चल रहा हूं। देखो मैंने ना दोनों दोस्तों बता रहा हूं, दोनों मैंने एसआरएस के ओपनर बैट्समैन को टीम में रखा है, तो जब आप दोनों ओपनर बैट्समैन को टीम में ले रहे हो ना, तो राजस्थान के ऐसे बॉलर जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं मैक्सिमम ओवर, उनको आप ड्रॉप कर सकते हो। यदि आप हैदराबाद के दोनों ओपनर में से किसी एक ओपनर को ले रहे हो, तो फिर आप क्या करना, राजस्थान के दोनों फास्ट बॉलर को टीम में ले लेना जो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। एग्जाम्पल मैं बताता हूं, देखो संदीप शर्मा और ये बोल्ट आपको मैक्सिमम ओवर पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तो यदि आपने दोनों को टीम में ले लिया है ना, तो वहां से आप संदीप और बोल्ट दोनों में से किसी एक को ड्रॉप कर देना। यदि मान के चलो कि आप यहाँ पे हेड को ले रहे हो, ठीक ना, और अभिषेक शर्मा को हटा दे रहे हो, या अभिषेक शर्मा ले रहे हो हेड को हटा दे रहे हो, तो फिर आप राजस्थान के दोनों बॉलर रख लेना संदीप और बोल्ट एक साथ। ओके, कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। फिर नीचे से एसएसवी जायसवाल डेफिनेटली लेके चलिएगा, इस टीम के अगेंस्ट हमेशा अच्छा किया है। 36 का दोस्तों इनका एवरेज मिलेगा हेड टू हेड में, और इस पिच पे भी दोस्तों राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में भी हमेशा बेस्ट बैटिंग करते हैं, तो बैटिंग सेक्शन से ये तीनों प्लेयर को मैं ले रहा हूं। नीचे से एक जो गेम चेंजर पिक बन सकता है ग्रेड लीग में, सिर्फ मैं आपको रिकमेंड करूंगा फोकस करना, वो है दोस्तों आर पावेल का। देखो अभी तक ना इस बैट्समैन को परफॉर्मेंस करने का चांस नहीं मिला है, यदि चांस मिल जाता है, यदि बाई चांस राजस्थान टीम का जो टॉप ऑर्डर है ना स्टार्टिंग में आउट हो जाता है ना, तो ये प्लेयर आपको बहुत अच्छा करके दे सकता है। तो ग्रैंड लीग में आप इन पे थोड़ा सा फोकस जरूर रखना, और ऐसे टीम में बस इनको रखना जिसमें आप राजस्थान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन को टीम में नहीं ले रहे हो। आप यशस्वी जायसवाल को नहीं ले रहे हो, आप दोस्तों ये बटलर को नहीं ले रहे हो, फिर दोस्तों आप आर पावेल को रख लेना, संजीव को साथ रखिएगा आर पावेल को, ठीक ना, क्योंकि आर पावेल तभी बेस्ट कर सकते हैं जब दोस्तों राजस्थान का स्टार्टिंग में विकेट गिरेगा और इनको मैक्सिमम बॉल मिलेगा दोस्तों खेलने के लिए, अदरवाइज आपको रखना दोस्तों कोई जरूरी नहीं है, ठीक ना, थोड़ा सा फोकस रखिएगा। ध्रुव जो है लास्ट मैच में अच्छा बैटिंग किया, लेकिन यार बैटिंग बहुत नीचे करते हैं, तो इसलिए मैं इनपे भी अभी फोकस नहीं कर रहा हूं। साथ ही साथ दोस्तों जो स्पोर्ट्स बाजी का एक ऑफर चल रहा है, डिपोजिट ऑफर, एक नहीं दो दो डिपोजिट ऑफर चल रहा है, जिन भाइयों ने अभी तक इस दोनों डिपॉजिट ऑफर का लाभ नहीं लिया है जरूर लीजिएगा। एक डिपॉजिट ऑफर है दोस्तों आपको 7% एक्स्ट्रा रियल कैश का, मिनिमम डिपॉजिट आपका होना चाहिए 100 रुपया, बस 100 रुपया, 100 रुपया से ऊपर आप जो भी डिपॉजिट करोगे वहां पे दोस्तों आप 7% का रियल एक्स्ट्रा कैश आप ले सकते हो। कोड आप यूज कर लेना Profit7। और एक डिपॉजिट ऑफर है दोस्तों, आप यहाँ पे मैक्सिमम 200 रुपीज डिपॉजिट करते हो ना, तो यहाँ का जो ग्रैंडली कॉन्टेस्ट है 19 रुपया वाला, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। आपने डिपॉजिट भी किया और यदि ये कॉन्टेस्ट आप प्ले करना चाहते हो तो कोई आपको एक्स्ट्रा अलग से 19 रुपया नहीं देना होगा। इसका कोड आप यूज कर लेना IPL200। दो डिपॉजिट ऑफर है, शानदार डिपॉजिट ऑफर है, लाभ जरूर लीजिएगा। साथ ही साथ ना दोस्तों देखो फैंटेसी का ये बात कर ले तो देखो स्पोर्ट्स बाजी पर ना 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर का जो कॉन्टेस्ट होता है ना स्मॉल लीग का, यार बेस्ट है, जरूर प्ले करना। फाइनल टीम तो मैं इसका दे भी देता हूं आपको, उससे भी आप प्ले कर सकते हैं, और ग्रैंड लीग यदि आप प्ले करना चाहते हो वो भी प्ले कर सकते हो। ग्रैंड लीग भी यहां पे आपको दो तरह का मिलेगा, एक 39 वाला और एक 219 वाला। स्मॉल लीग क्यों आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एंट्री फी आपको देना होता है ना अदर ऐप के कंपेयर में कम लगता है, और एंट्री फी और आप सेव कर सकते हो। यदि आपके पास बोनस है, आप देखोगे 5%, 3%, 2% प्रत्येक कॉन्टेस्ट में बोनस का यूज होता है, जिससे जो पैसा पे करना है वो और दोस्तों कम होता है, और ऑलरेडी दोस्तों GST फ्री ऐप है, तो इसका आप यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हो। फैंटेसी के साथ साथ आप स्टैट्स प्रो ट्राई कर सकते हो। स्टैट्स प्रो में यदि आपको दोस्तों नॉलेज होगा, जैसे जैसे आप मैच को लाइव देखोगे ना, यहाँ पे उस तरह का बहुत सारा कॉन्टेस्ट मिलता है जिसका आप आंसर देके आराम से अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। एक क्वेश्चन है कि क्या लगता है हैदराबाद की टीम विन करेगी राजस्थान के अगेंस्ट,
मैंने आपको क्या बताया, जो भी टीम बैटिंग सेकेंड करे उसको आप फेवर कर लेना। और यहाँ पे दोस्तों आप एंट्री फी पे करके आप ये भी प्ले कर सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन है। एक और है दोस्तों, क्या लगता है जो भी टीम टॉस विन करेगी वो बैट फर्स्ट करेगी? नहीं, बैट दोस्तों सेकेंड करना चाहेगी। तो यहाँ पे आप नो करके भी दोस्तों आप ये प्ले कर सकते हो, ठीक ना। और जिन भाइयों ने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया, लिंक दोस्तों आपको कहीं और मिलेगा नहीं, बस इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में स्पोर्ट्स बाजी का लिंक है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में यान पराग का फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा। अब देखो दोस्तों, मेरा प्रेडिक्शन क्या कह रहा है ना कि इस मैच में यान पराग और माकरम दोनों में से कोई एक प्लेयर परफॉर्मेंस करने वाला है और एक प्लेयर दोस्तों फ्लॉप जाएगा। सिलेक्शन दोनों का हाई है लेकिन कोई एक प्लेयर ही परफॉर्म करेगा। अब मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मेरे को गट फील आ रहा है दोस्तों माकरम पे, लेकिन क्योंकि मैं राजस्थान को फेवर करके अभी टीम बना रहा हूं तो मैं यान पराग के साथ जाना चाहूंगा। रिसेंट मैचों में इस आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, फास्ट बॉलर स्पिनर दोनों को बहुत अच्छा से टैकल कर रहे हैं, तो इसलिए मैं फर्स्ट प्रिफरेंस यान पराग को दे रहा हूं। और राजस्थान की टीम बैटिंग फर्स्ट करे तो इनपे प्रिफरेंस रखना, राजस्थान की टीम बैटिंग सेकेंड करे ना तो फिर आप माकरम को रख लेना। टॉस के अकॉर्डिंग ये डायरेक्ट चेंज आप कर सकते हो। मैं फिर से आपको समझाता हूं, देखो दोनों में से किसी एक प्लेयर को आपको स्मॉलिंग में जगह देना है, दोनों को भी आप चाहो तो ले सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए ना बॉलर्स में से किसी को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। यदि आप दोनों में से किसी एक को लेना चाहते हो तो टॉस के अकॉर्डिंग जाना। जिस भी टीम का दोस्तों बैटिंग फर्स्ट है आप उसके प्लेयर को रख लेना, क्योंकि दोनों प्लेयर थोड़ा सा नीचे ही बैटिंग करते हैं, तो ये चीज आप देख के चल सकते हो। मेरा प्रेडिक्शन यही करा है कि दोनों में से कोई एक परफॉर्म करेगा। मैं अभी यान पराग को प्रेफरेंस दे रहा हूं। अश्विन भैया सामने लेफ्ट हैंडर कितने हैं? हेड आपको लेफ्ट हैंडर मिलेंगे, अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर है, फिर नीचे में आपको एस अहमद जो बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, तो आपको दैट मींस हैदराबाद की टीम में दो लेफ्ट हैंडर है और दो लेफ्ट हैंडर हैंडर के सामने दोस्तों ये बॉलिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए संजू बाबा को ना इनको पावर प्ले में बॉलिंग देना होगा, क्योंकि दोनों जो ओपनर है वो तो पावर प्ले में ही ना बैटिंग करते हैं, दोनों लेफ्ट हैंडर अभिषेक शर्मा और हेड। तो देखो यार पावर प्ले में मेरे को लगता है दोनों जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और यदि अश्विन बॉलिंग भी करते हैं तो विकेट लेस जाएंगे, ठीक ना। और अश्विन का रिकॉर्ड भी बहुत कमाल का नहीं है, आपको एक विकेट हमेशा हेड टू हेड में प्रोवाइड किए हैं, बट एक विकेट से ज्यादा नहीं लिए है। तो आप चाहो तो ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो, यदि आप राजस्थान को टोटली वन साइडेड फेवर करके टीम बना रहे हो जिसमें आप राजस्थान के सभी बॉलर ले रहे हो और उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले रहे हो, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो अश्विन को, ठीक ना। क्योंकि हेड टू हेड में एक विकेट अश्विन भैया हमेशा लिए है, लेकिन एक विकेट से ज्यादा नहीं लिए, और इस बार हैदराबाद की टीम थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए मैं अश्विन को फेवर नहीं कर रहा हूं। माकरम का मैंने ऑलरेडी बता दिया, रिसेंट मैच थोड़ा सा खराब रहा है, और मैं बता रहा हूं ना एक चीज, मैं चाहूंगा कि हैदराबाद की टीम इस मैच में चेंज करे। क्या चेंज करे? कि माकरम भैया को इस मैच में रेस्ट दे, ड्रॉप ना करे, रेस्ट दे, और माकरम की जगह दोस्तों इस मैच में ना एम जैनसन को खिला ले, क्योंकि इस बंदे का दोस्तों जो रिकॉर्ड है ना राजस्थान के बैट्समैन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा है, और यदि मार्को जैनसन खेलता है दोस्तों राजस्थान का टॉप ऑर्डर को उखाड़ के फेंक सकता है। इनका रिकॉर्ड जायसवाल के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा है, संजू बाबा के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा है, बटलर को भी दोस्तों तंग किए हुए हैं। तो यदि एक चीज देखिएगा, हैदराबाद माकरम दोस्तों अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहा है लास्ट कुछ मैच में, तो हैदराबाद की टीम बोलेगी माकरम की भाई इस मैच में आप रेस्ट कर लो और मार्को जैनसन को चांस दे दे। और यदि मार्को जैनसन खेलते हैं दोस्तों ध्यान रखना 100% लेके चलना, मुझे नहीं पता कि कौन लेके आ रहा है कौन लेके नहीं आ रहा है, बट यदि ये खेलता है तो आपके टीम में होने चाहिए, ठीक ना, तभी दोस्तों जाके हैदराबाद की टीम कहीं चांस रहेगा कि विन कर सकती है। बट यदि दोस्तों हैदराबाद की टीम वही अपना प्लेइंग 11 के साथ जाए और माकरम को खिलाए तो फिर हैदराबाद की टीम मेरे को उतना स्ट्रांग नहीं दिख रही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों मार्को जैनसन पे। एन रेडी जब भी चांस मिल रहा है भाई यार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अब रिसेंट मैचों में एक चीज अच्छा लगा है कि इनको सब्स्टिट्यूट में नहीं रखा जा रहा है, मेन प्लेइंग 11 में रखा जा रहा है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर दोस्तों इनका कंफर्म नहीं है, यही सबसे बड़ा दोस्तों माइनस पॉइंट है। बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं है, कभी फर्स्ट राउंड बैटिंग कर जाते हैं, कभी तीन नंबर पे, कभी चार नंबर पे, कोई बैटिंग ऑर्डर का फिक्स नहीं है, और बॉलिंग भी सभी मैच में नहीं करते हैं, तो स्मॉलिंग में दोस्तों मैं इसी कारण की वजह से दोस्तों नहीं ले पाऊंगा। खिलाड़ी मेरे को अच्छे लगे हैं, कैच भी बहुत अच्छा करते हैं हमेशा दोस्तों, फील्डिंग भी बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, बॉलिंग जब भी चांस मिला अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग जब भी चांस मिला अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं रहता है दोस्तों इनका बैटिंग पोजीशन बॉलिंग, इसलिए मैं स्मॉल लीग में नहीं ले रहा हूं, ओके ना। ग्रैंड लीग में आप फोकस कर सकते हैं दोस्तों, एस अहमद थोड़ा सा फोकस करना दोस्तों इस प्लेयर पे,
क्योंकि मेरे को लग रहा है एक बार फिर से दोस्तों एस अहमद इस मैच में आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से दोनों से कंट्रीब्यूट करके जाने वाले हैं। मैंने एक और मैच में दोस्तों एस अहमद का आपको प्रेडिक्शन दिया था और उस मैच में भी दोस्तों एस अहमद का बहुत कम सिलेक्शन था और उस मैच में भी दोस्तों एस अहमद ने 43 रन स्कोर किया था। किसके अगेंस्ट था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, बट मेरे को ये चीज ध्यान है। और इस मैच में भी दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन यही कर रहा है कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से अच्छा करके जा सकते हैं। इनको टीम में लेने का जो मेरा फाइनल डिसीजन रहेगा वो दोस्तों टॉस के अकॉर्डिंग रहेगा। यदि हैदराबाद की टीम दोस्तों फर्स्ट बॉलिंग करती है एस अहमद को मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि सेकेंड बॉलिंग में ना ओस आ जाएगा। ड्यू आने की वजह से हो सकता है कि स्पिनर को उतना अच्छा ग्रिप न मिले बॉल पे जिससे वो मैक्सिमम विकेट ले पाए, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग में आप ध्यान रखिएगा विकेट दोस्तों लेके जाने वाले हैं, ठीक ना। चलिए अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में सबसे पहले तो भाई मैं चहल भैया को रहूंगा, क्योंकि इनका जो हेड टू हेड में रिकॉर्ड है ना हैदराबाद टीम के अगेंस्ट भाई नेक्स्ट लेवल है। लास्ट तीन मैच में दोस्तों क्या कमाल का परफॉर्मेंस किए और आपको 11 विकेट लेके आ रहे हैं। 100% टीम में होने चाहिए। ग्रैंड लीग के कैप्टन बीसी के लिए भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। नीचे आपको पैट कमिंस का ऑप्शन मिलेगा। देखो यार पैट कमिंस सिलेक्शन कम है, बट मैं रिकमेंड करूंगा स्मॉल लीग के बहुत अच्छे ऑप्शन है, क्योंकि बैटिंग बैकअप भी तो दे रहा है ये बंदा और बॉलिंग तो आपको कर ही रहा है, टीम में जरूर लेके चलिए। बोल्ट और संदीप शर्मा दोनों में से मैं एक ही को लूंगा। यदि मैं हैदराबाद के 200 टॉप ऑर्डर बैट्समैन में से ये तीन में से मैं मान के चलिए एक को नहीं लेता, हेड को नहीं लेता, तो फिर मैं यहाँ ना बॉलिंग सेक्शन से तीनों मैं बोल्ट और संदीप शर्मा दोनों को टीम में ले सकता था, लेकिन क्योंकि दोस्तों मैंने ऐसा नहीं किया है तो फिर बॉलिंग सेक्शन में बोल्ट और संदीप शर्मा दोनों में से मैं एक को लूंगा और मैं प्रिफरेंस दे रहा हूं संदीप शर्मा को। उसका रीजन समझाता हूं, आप समझिए। बोल्ट भैया दोस्तों पावर प्ले में मैक्सिमम ओवर बॉलिंग कर रहे हैं। डेथ में दोस्तों कोई मैच में इनको बॉलिंग नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ दोस्तों मिल भी रहा है तो एक ओवर का मिल रहा है। लेकिन संदीप शर्मा ना अभी राजस्थान के सबसे बेस्ट बॉलर बने हुए हैं, दो ओवर पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं और दो ओवर दोस्तों डेथ में बॉलिंग करने आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस संदीप शर्मा पे एज कंपेयर टू बोल्ट। लॉजिक समझिए जो मैंने बोला। आप यदि बोल्ट भैया को लेना चाहते हो बैक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक ना। लेकिन क्योंकि मैं अभी बोल्ट भैया को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि उधर से मैंने दोनों ओपनर को टीम में बैक किया है। लास्ट ऑप्शन में नीचे से नटराजन को लूंगा। उसका सिंपल सा एक ही रीजन है, क्योंकि नटराजन दोस्तों डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं और कंसिस्टेंट दोस्तों विकेट ले रहे हैं, सभी मैच में एक विकेट दो विकेट ले रहे हैं, तो मैं नटराजन को बैक करके चल रहा हूं। और यहाँ पे ना देखो एक और चीज आप कर सकते हो, यदि राजस्थान की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो नटराजन की जगह बोल्ट को आप ले सकते हो, ये रोटेशन आप कर सकते हो। लेकिन यदि फर्स्ट बॉलिंग एसआरएस की टीम करे तो भाई लोग यार नटराजन इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये रिक्स आप मत लेना। बूबी भैया को लेने का रीजन दोस्तों मैं नहीं ले पा रहा हूं, क्योंकि देखो यशस्वी जायसवाल और बटलर दोनों अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दोनों दोस्तों हम लोग की टीम में है। और यदि आप बटलर पे रिक्स लेना चाहते हो ना ग्रैंड लीग में, फिर आप भूबी भैया को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि भूबी भैया आउट करेंगे ना तो वो बटलर को कर सकते हैं, क्योंकि बटलर के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड अच्छा है हेड टू हेड में। यशस्वी जायसवाल को बहुत ज्यादा तंग नहीं किए हैं, तो ग्रैंड लीग में ये रोटेशन जरूर ट्राई करना, क्योंकि यार ग्रैंड लीग बना ही तो ऐसे है ना, इसीलिए बना है क्योंकि आप हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर पे रिक्स लो, बट ऐसे ही नहीं किसी भी प्लेयर पे, जिनका रिकॉर्ड अच्छा मिलेगा किसी के अगेंस्ट उन पे आप रिक्स लो। तो भूबी भैया और बटलर पे ध्यान रखिएगा, ग्रैंड लीग में आपके लिए बहुत अच्छा करके जा सकते हैं। आवेश खान रिसेंट मैचों में दोस्तों उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से मैं स्मॉल लीग में नहीं ट्राई कर रहा हूं। ग्रैंड लीग में आप लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन ऐसे टीम में लेना ना जब दोस्तों आप राजस्थान को टोटली फेवर करके टीम में ला रहे हो और राजस्थान के सभी बॉलर को टीम में ले रहे हो और राजस्थान के सिर्फ टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले रहे हो, वहां पे लेना। स्मॉल लीग में मैं जगह नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि यार किसको ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा लॉजिकली कम्बिनेशन बना रहे। उनाडकट भैया एक काम कर सकते हैं, यार उनाडकट भैया अच्छा कर रहे हैं इस पिच पे। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोस्तों उनाडकट भैया हमेशा अच्छा बॉलिंग किए, चाहे फर्स्ट मैच ले लो मुंबई के अगेंस्ट, सेकेंड मैच ले लो चेन्नई के अगेंस्ट, या लास्ट मैच ही ले लो, वहां पर भी दोस्तों उनाडकट भैया ने बहुत अच्छा बॉलिंग किया है। तो एक गेम चेंजर का काम कर सकते हैं बॉलिंग सेक्शन से जे उनाडकट, ध्यान रखिएगा गेम चेंजर इस मैच में बहुत कम है, ठीक ना। और राउंडर सेक्शन से एस अहमद, बॉलिंग सेक्शन से जे उनाडकट, ये दो गेम चेंजर का काम कर सकते हैं। मयंक मार्कंडे दोस्तों हो सकता है कि इस मैच में इनको प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए, अब मैं कंफर्म नहीं हूं क्योंकि लास्ट मैच खेले नहीं थे, बट देखते हैं यदि प्लेइंग 11 में जगह मिलता है तो ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि स्पिनर को इस ग्राउंड पे अच्छे खासे 200 विकेट मिल रहे हैं एज कंपेयर टू फास्ट बॉलर, तो मयंक मार्कंडे को चांस मिले तो आप देख सकते हो। चलिए अब बात कर ले दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग कैप्टन बीसी किसको करें।
देखो मेरा जो कैप्टन बीसी रहेगा वो दोस्तों मैं प्रेफरेंस देखो किसको दे रहा हूँ, मैं संजू बाबा को दे रहा हूँ दोस्तों, क्लासेन भैया को, बटलर को, ये तीन दोस्तों मेरे सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शन है इस मैच में, क्योंकि तीनों का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, तीनों का दोस्तों इस वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, तीनों का रिसेंट मैचों में भी दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा रहा है इस आईपीएल 2024 में। तो इसलिए आप ये तीन को ट्राई करना, थोड़ा सा हटके जाना हो, रिस्क लेना हो, तो फिर नीचे आपको मिलेगा दोस्तों टी हेड का ऑप्शन। टी हेड रिक्सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि राजस्थान का जो बॉलिंग है ना काफी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग और अच्छा करके आ रहे हैं, तो टी हेड को मैंने अपने मेन प्रेफरेंस में नहीं रखा है, मैंने टी हेड की जगह क्लासेन को रखा है, क्योंकि क्लासेन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है राजस्थान के बॉलर्स के अगेंस्ट, और मेरे को लग रहा है कि क्लासेन अच्छा करके जा सकते हैं क्योंकि स्पिन वो बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनपे आप फोकस रख सकते हो। और ग्रैंड लीग में दोस्तों जो मैंने स्टार्टिंग में अपना एक फेवरेट चॉइस दिया था चहल भैया पे फोकस जरूर रखिएगा एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन में, ठीक ना, क्योंकि लास्ट जो तीन मैच इन्होंने खेला है 11 विकेट लिए हैं दोस्तों इस टीम के अगेंस्ट। अभी के लिए मैं सेफ जाते हुए कैप्टन संजू बाबा, बीसी में बटलर को कर रहा हूं। आप लोग भी सेम इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, मैं हट जाता हूं जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में हेल्प। आई होप दोस्तों सभी दोस्तों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, टीम को सेव कर लीजिए, ठीक ना, और उम्मीद करते हैं कि इस टीम में कोई चेंजेस ना करना पड़े, बट यदि कोई चेंज करना भी होगा ना दोस्तों तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, कोई चेंज करना होगा फाइनल टीम में एक बार फिर से दोस्तों आपको अपडेट करके ध्यान रखिएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी मेंबर फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं यार टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी ना फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा दीजिएगा, और यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो दोस्तों आपके विनिंग में ना थोड़ा सा भी हेल्प करता है तो एक लाइक जरूर वीडियो को करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय बाय।